आज का सर्कुलर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर हम आपको दो तीन सर्कुलर बताएंगे जो इक्विटी की तरफ से आए हुए हैं, इसलिए अगर वीडियो को आपने अंत तक नहीं देखा तो बहुत ही आपको दिक्कत आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो सर्कुलर है उसमें बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के साथ 2023-24 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैदी हुए विषयों की प्रथम चरण की परीक्षाओं का संभावित टेंटेटिव परीक्षा केंद्र के संबंध में, मतलब आपको बता दें कि जो आपकी जो है एग्ज़ाम होने हैं 5 जून से, उसके टेंटेटिव सेंट्रल लिस्ट आ गया है। आपको बता दें कि हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जो है कॉलेज का देख लीजिए कि क्या आपका सेंटर कहाँ गया है। अभी टेंटेटिव है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है आप इसको ही आप मानिएगा। इसमें वही चीज़ देखो बताई जा रही है कि कृपया उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराने के विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 के सेमेस्टर के स्नातक पर स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं के रेगुलर तक विषयों की प्रथम चरण की लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 27 मई 2024 से दिनांक 29 जून 2024 तक प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराया जाना निर्धारित है। उक्त परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त अनुपरांत निर्धारित किए गए संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न कर प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न संभावित परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार की त्रुटि संशोधन की अवस्था में ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर दिनांक 16 मई 2024 को अपराह 2 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से समय छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें। उत्तर के उपरांत किसी प्रकार किसी भी आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। कुल मिला के आप बता दें कि आपकी सेंटर लिस्ट आ चुकी है, इसको आप देखो ये देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका डिस्क्रिप्शन आपको डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से इसको जो है चेक कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है। आगे देखो इसमें जो सर्कुलर दिखाया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस सर्कुलर जो आपको बता दें कि ABCID के संबंध में है, विश्वविद्यालय के साथ 2023-24 अंतर्गत छात्राओं की ABCID नियमित न होने के कारण रोकेगा छात्रों के परीक्षा परिणाम के संबंध में, मतलब आपको बता दें कि इसके पहले जो सर्कुलर आया था उसमें बताया गया था कि जिन छात्रों ने अभी तक अपना ABCID नहीं बनाया उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है, तो वही कहा गया कि कृपया अवगत कराना कि आपके संस्था में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका परीक्षा परिणाम ABCID नियमित न होने के कारण रोक दिया गया है कि ABCID बनाकर उन छात्रों का संपूर्ण विवरण गूगल लिंक दिया गया है के माध्यम से 2 कार्य दिवस में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संबंधित छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। मतलब आपको बता दें कि एक लिंक कॉलेज को जो है आप इसमें ABCID जो है डाल सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक ABCID अपने कॉलेज को नहीं भेजा है तो आप भेज दीजिए, अभी भी आपके पास समय है, नहीं आपका रिजल्ट जो है रुका हुआ है। जिन छात्रों ने अभी तक ABCID नहीं बनाया है वो अभी भी बना के भेज सकते हैं कॉलेज को, इस गूगल लिंक में जो है कॉलेज आपको जो है विवरण भेज देगा, तो आपको जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वही बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर था। अगला जो सर्कुलर है आपको बता दें कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बता दें कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर, देखिए कि सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर परीक्षा के बीटेक पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर के दुगले तथा छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में, बीटेक के पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर के छात्रों का जो है आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। वो भी बताया जाए कि 9 जनवरी 2024 से दिनांक 15 फरवरी 2024 के मध्य संपन्न हुई परीक्षाओं के बीटेक पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर के दुगले छात्राओं को परीक्षा परिणाम सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के उपरांत जारी घोषित किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रह रहा है उपलब्ध होगा। और आगे कह रहा है कि उच्च कैथिक देवी अवगत कराने के ऐसे संस्थान के अध्ययन छात्र छात्रा जिनकी ABCID नहीं बनी गई है उनका परीक्षा परिणाम शासन विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा अनुबंध रोक दिया गया है, मतलब जिन छात्रों ने अभी तक ABCID बना नहीं दिया है उनका जो है परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। तो आपको बता दें कि रिजल्ट धीरे धीरे के जो सब निकाल रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अब हमें लगता है जहाँ तक है बहुत ही जल्दी सारे रिजल्ट निकल आएंगे। ये अभी आपको बता दें रिजल्ट जो है फेस फर्स्ट में जो हुआ था उनके परिणाम आ रहा है, फेस सेकंड की बहुत जल्दी आने चालू हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि इसी तरह से आपको नई नई सूचनाएँ IIT की तरफ जो भी आएँ या ICT की तरफ से आएँ वो आपको मिलती रहे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।